हेलो स्टूडेंट, आज से आपकी फिजिक्स फर्स्ट पेपर का पहले चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। पिछली वीडियो जो हमारी हुई थी वो इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि आपको पूरी फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहीं से शुरू करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हिंदी चाहिए, तो इसके हम साथ साथ हिंदी भी लिखते हुए चलते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये जो आपका फिजिक्स फर्स्ट पेपर है उसका पहला चैप्टर है, और जो इसकी हिंदी होती है वो होता है स्थिर विद्युत, स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिर विद्युत होता है। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी संरचना, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिससे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, विद्युत। जब हम बात करते हैं किसी भी चार्ज या किसी भी आवेश जो फिर रुका हुआ होता है, उसमें जो हम अध्ययन करते हैं उसकी उस फिजिक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर ये विद्युत या आवेश अगर वो स्थिर होता है तो हमने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। और आगे हमने बताया भी था पिछली वाली वीडियो में कि अगर जो ये आवेश होता है, जो ये आवेश है वो अगर गतिमान होता है, मूव करता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं गतिमान विद्युत में या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें हमको किस में पढ़ना है, स्थिर विद्युत को। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप कभी बचपन में किए होंगे कि जो एक पेन होता है, जैसे कोई भी पेन ले लो, अपने सूखे बाल में रगड़ो, उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत। ये वो कहलाता है कि जो विद्युत रुका हुआ होता है या स्थिर विद्युत होता है, या कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, वो उस पर लागू होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो स्थिर विद्युत में, इसको पढ़ने से पहले कि विद्युत स्थिर है या गतिमान है, उसके पहले हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर विद्युत में सबसे मेन जो होता है वो होता है आवेश। क्या होता है, आवेश होता है। अब जो ये आवेश होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती है कि आवेश क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे इस पर आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, फिर द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवेश क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये है कोई चार्ज प्लस, और एक बार ये क्या है, माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या करता है, जो ये प्लस चार्ज होता है माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, माइनस जो होता है वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब प्लस वाला माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, और माइनस जो होता है वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर क्या होता है कि जो आवेश होता है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये किसी भी आवेश का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, किसी भी आवेश का एक गुण होता है जो किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। मतलब आपको ये समझना होगा कि आवेश एक प्रकार का गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है जो किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। अब आवेश आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, पिछली क्लास में पढ़े रहे होंगे कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, और एक न्यूट्रल होता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉन पढ़ते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन को यहाँ पर पी लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई लिखते हैं, पी प्लस और ई माइनस। तो सबसे पहले पी पर जो आवेश होता है वो होता है, आपको कुछ हम डाटा याद करा रहे हैं उसको आप लोग याद करोगे, और लिखते हैं 1.67 गुणित 10^-19 कूलाम। देखो ये कूलाम लिखा गया, कूलाम का मतलब इस प्रोटॉन पर जो ये आवेश है उसका मात्रक है, मतलब जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आगे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश 1.67 गुणित 10^-19 तो होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है और इसमें यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, और इसका मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है। बात करते हैं उसके द्रव्यमान की, तो जो पी होता है मतलब प्रोटॉन भी अपी प्लस, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672×10^-27 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है 9.1×10^-31 किलोग्राम होता है। आगे जैसे बात करते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को
पढ़ना होता है इस चैप्टर में। लेकिन हम बात करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो आप लोग जानते हो कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 कूलॉम का आवेश होता है। और इस पर लगभग जो भार होता है वो प्रोटॉन के भार के बराबर होता है, मतलब 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। ठीक है, मतलब अगर हम आवेश को बढ़िया से पढ़ते हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज होता है, मतलब आवेश संरक्षित कैसे किया जाता है, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज को पैकेज के रूप में कैसे रखा जाता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश का जो होता है क्वांटाइजेशन कैसे होता है, या ये पैकेज के रूप में कैसे रखा जाता है आवेश को। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिएगा और हम इसको मिटाने चाहते हैं। हाँ, तो आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होता है कि जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे देखते हैं, Q = ±NE होता है, मतलब जो आवेश होता है वो पैकेज के रूप में होता है। ऐसा नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन तिहावा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो इलेक्ट्रॉन एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, मतलब वो पैकेट के रूप में होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसे। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन या फिर तिहाई इलेक्ट्रॉन, चौथाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे प्रोटॉन हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉन हुआ, वो हमेशा पूरा पूरा होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो मतलब जो क्यू होता है वो इंटीजर होता है, मतलब प्लस माइनस एनी एन जो हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो कह सकते हैं जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। आगे बात करते हैं चार्ज के संरक्षण की, आवेश के संरक्षण की, तो उसमें क्या होता है, ना तो चार्ज उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसको नष्ट किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कूलॉम के नियम की, जो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और इसको पढ़ना कैसे है आगे हम देखते हैं। बस इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही पढ़ना है, Q = ±, यानी यानी एक नेचुरल नंबर है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इंटीजर होता है। बस आप इतना ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एक पैकेज है बस, मतलब वो क्वांटा होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसको हम खत्म करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कूलॉम के नियम का, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कूलॉम का नियम क्या होता है, जैसे एक प्लस आवेश होगा और यहाँ पर भी एक कोई आवेश होगा, यहाँ पर कोई आवेश है और यहाँ पर कोई आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस दिया गया है, वो कितना है, आर है। ठीक है, पिछली क्लास में, मतलब क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब अगर हम इसको M1 मानते हैं, इसको M2 मानते हैं, तो जो M1 और M2 जो द्रव्यमान होता है उनके बीच की जो दूरी R थी, इन पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था जो था F = gm1m2/r2, यह आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, इसमें ना तो द्रव्यमान की बात नहीं करना है, इसमें बात करना है विद्युत की या चार्ज की। तो जो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है उस पर हम क्या रखेंगे, अपनी बात आवेश रखेंगे, और इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर आवेश हम लोग M1 के स्थान पर Q1 लेते हैं, यहाँ पर आवेश M2 के स्थान पर Q2 लेते हैं। तो क्या करना होता है, कूलॉम ने बताया था, या कूलॉम का जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी दो आवेश, चाहे दोनों प्लस हो, चाहे दोनों माइनस हो, या दोनों में से कोई एक प्लस हो या फिर कोई एक माइनस हो, तो जैसे Q1 है, दूसरा Q2 है, इसमें Q1 प्लस भी हो सकता है, Q2 प्लस भी हो सकता है, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, इसमें ये प्लस ये माइनस, ये कोई डिसाइड नहीं करता है कि क्या होना चाहिए, मतलब दोनों आवेश कुछ भी होने चाहिए। तो जो दोनों के बीच में बल लग रहा होगा वो बल है F = Q1 × Q2। मतलब कहा गया कि, या कूलॉम ने कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के द्व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, मतलब अगर दोनों आवेश का मान बढ़ेगा तो उनका गुणनफल से उन्हें क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा या प्रोपोर्शनली होगा, मतलब जिससे बल का मान बढ़ेगा, मतलब अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं फिर से बताते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के द्व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कि इसका नियम होता है। आगे हम इन दोनों समीकरण को एक साथ में लिखते हैं तो क्या होता है, देखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग मान लेते हैं K आ गया, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हुआ। जहाँ पर K जो होता है वो कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट होता है जिसकी वैल्यू हम बताते हैं क्या क्या होता है, पर ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पर के आया है के का मान होता है 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9×10^9, ठीक है, मात्र क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, मतलब के का जो मान होता है वो होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, और जो इसका मान होता है वो होता है 1/4 pi epsilon naught। तो एप्सिलॉन क्या होता है, नॉट क्या होता है, इसको आगे करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करोगे और हम इसको बताते हैं 1/4 pi epsilon naught क्या होता है। आगे बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी वैल्यू आप लोग याद कर ली होगी, के की वैल्यू होती है जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एक होती है 1/4 pi epsilon naught। तो 4 पाई कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी बताते हैं और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है ये हम कह बताते हैं। तो जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। जैसे अगर कहा जाता है सिर्फ एप्सिलॉन कहा जाता है तो इसका मतलब होता है ये वैद्युतशीलता, मतलब इसमें से विद्युत या आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो विद्युतशील ज्यादा होगा उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं विद्युतशील कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर नॉट कर देते हैं मतलब एप्सिलॉन नॉट मतलब इसका कि निर्वात में वैद्युतशीलता, और जो निर्वात में वैद्युतशीलता होता है इसका जो मान होता है वो होता है 8.85×10^-12, कितना होता है 8.85×10^-12, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब जो के का मात्रक होता है उसका ठीक अपोजिट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, और जो होता है 8.85×10^-12, मात्रक क्या हो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं, नई हेडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, वैद्युत आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, जो कुछ नहीं आएगा अपने कमेंट में कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हुआ 8.85×10^-12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो आज डाटा आपको दिए गए हैं मतलब एप्सिलॉन नॉट के एफ बराबर और के बराबर, इन दोनों के मात्रक, और जो पीछे दिया गया था आवेश मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और उसके आवेश, ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं सवाल को भी लगाने में और मतलब पूरी फिजिक्स को पढ़ने में। आगे यहाँ से बताया जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया स्थिर विद्युत क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया विद्युत, उसके बाद बताया हमने स्थिर विद्युत क्या होता है, मतलब आवेश जो रुका हुआ होता है वो क्या होता है, और अगली वीडियो में या अगली क्लास में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे इसकी हिंदी में लिख देते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, मतलब जो भी आवेश था, वैद्युत का मतलब आप लोग आवेश समझो, जो भी आवेश होगा उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और अगली क्लास में हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।